दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे इस YouTube चैनल पर। अगर आप चाहते हैं पैसों से भरी रहे हमेशा आपकी जेब, तो राशि के अनुसार चुने अपने पर्स का रंग। दोस्तों, पैसों से भरा हुआ पर्स किसे अच्छा नहीं लगता। हर इंसान चाहता है कि उसके जीवन में पैसों की कभी कमी ना हो और वो जीवन के हर ऐसे आराम का मालिक बने। मगर कई बार हम पर्स से जुड़ी हुई ऐसी गलतियां कर बैठते हैं जिससे धन की देवी माता लक्ष्मी हमसे रुष्ट हो जाती है, क्योंकि धन की देवी माता लक्ष्मी का सीधा संबंध हमारे धन के रखने वाले स्थान से यानी पर्स से होता है। इसीलिए हमें पर्स में चीज़ों को रखते समय कई तरह की सावधानियां ज़रूर बरतनी चाहिए। दोस्तों, वास्तुशास्त्र में घर के हर हिस्से की दिशा और सामान रखने के अलावा उसे किस रंग से व्यवस्थित किया जाए ये भी बताया जाता है। ज्योतिष शास्त्र में भी हर रंग को किसी न किसी ग्रह से जोड़कर देखा गया है। ज्योतिष शास्त्र के मुताबिक यदि व्यक्ति अपनी राशि के अनुसार पर्स को चुनाव करता है तो उसे कभी भी पैसों की तंगी नहीं होती है। दोस्तों, तो आज इस वीडियो में हम जानेंगे कि किस राशि वाले व्यक्ति को किस रंग का पर्स रखना चाहिए जिससे उसका पर्स हमेशा भरा रहे। लेकिन दोस्तों, इस वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले हमारी आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में घंटी का बटन भी प्रेस कर लीजिए ताकि आने वाली हमारी हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में जय माता लक्ष्मी जरूर लिखिएगा। चलिए वीडियो को आगे बढ़ाते हैं और जानते हैं कि किस राशि वाले व्यक्ति को किस रंग का पर्स प्रयोग करने से उसे लाभ प्राप्त होता है। दोस्तों, वास्तुशास्त्र के अनुसार यदि मेष राशि वालों लाल या नारंगी रंग का पर्स प्रयोग में लाते हैं तो उससे मेष राशि वाले लोगों के लिए बहुत ही लाभ होता है, क्योंकि मेष राशि वालों के राशि का स्वामी मंगल होता है। इसीलिए उनके लिए लाल रंग का पर्स या फिर नारंगी रंग का पर्स लाभ देने वाला होता है। दोस्तों, अगर वृषभ राशि की बात करें तो वृषभ राशि वाले यदि भूरे या मटमेले रंग का पर्स रखते हैं तो उन्हें धन का अवश्य ही लाभ रहेगा और उनका पर्स धन से हमेशा भरा रहेगा। अगर मिथुन राशि की बात करें तो अगर मिथुन राशि वाले सफ़ेद रंग का या फिर नीले रंग का पर्स प्रयोग में लाते हैं तो उससे उनकी आय बढ़ती है, साथ ही उनकी जो मानसिक शांति है वो भी बरकरार रहती है, जिससे उनके धन में दिन प्रतिदिन बढ़ोतरी होती रहती है। अगर कर्क राशि वालों की बात करें तो कर्क राशि वालों को हरे या सफ़ेद रंग का पर्स बहुत ही लाभ देने वाला होता है, क्योंकि इनके राशि का स्वामी बुध होता है। इसीलिए उन्हें हरे या फिर सफ़ेद रंग से संबंधित पर्स ही खरीदना चाहिए। अगर सिंह राशि की बात करें तो सिंह राशि वालों को लाल रंग का या फिर नारंगी रंग का पर्स लाभ देने वाला होता है। इस राशि वाले लोग यदि लाल या फिर नारंगी रंग का पर्स प्रयोग में लाते हैं तो इनके आय में दिन प्रतिदिन बढ़ोतरी होती रहती है। दोस्तों, अगर कन्या राशि वाले की बात करें तो कन्या राशि वालों को भूरे या मलमेटे रंग का प्रयोग करना चाहिए पर्स। दोस्तों, इस रंग से उन्हें बहुत ही लाभ प्राप्त होगा और उनका बटुआ हमेशा पैसे से भरा रहेगा। तुला राशि वाले लोगों को सफ़ेद या फिर नीले रंग के पर्स का प्रयोग करना चाहिए। इससे उनकी आय में बढ़ोतरी होती है और मानसिक शांति बनी रहती है और उनके जो मन में धन के नए नए स्रोतों को खींचने का जो है लगाव होता है, जो खिंचाव होता है, वो बहुत अधिक बढ़ जाता है, जिससे वो धन को बहुत अधिक आकर्षित कर पाते हैं। इसके अलावा अगर वृश्चिक राशि की बात करें तो वृश्चिक राशि वालों को हरे या फिर सफ़ेद रंग के पर्स का प्रयोग करना चाहिए, इससे उन्हें ज़रूर लाभ प्राप्त होता है। अगर धनुराशि की बात करें तो धनुराशि वाले लोगों को लाल या फिर नारंगी रंग के पर्स का प्रयोग करना चाहिए, इससे उनका पर्स हमेशा भरा रहता है। अगर मकर राशि वालों की बात करें तो मकर राशि वालों को भूरे या फिर मलमेटे रंग का पर्स प्रयोग में लाना चाहिए, इससे उनके आय में दिन प्रतिदिन बढ़ोतरी होती रहती है। दोस्तों, अगर बात कर ली जाए कुंभ राशि की तो कुंभ राशि वालों को सफ़ेद या नीले रंग के पर्स का प्रयोग करना चाहिए, इससे उनके आय में बहुत ही अधिक बढ़ोतरी होती है और धन के नए स्रोत उनके तरफ आसानी से आकर्षित होते हैं। दोस्तों, अगर मीन राशि की बात करें तो मीन राशि वालों को हरे या फिर सफ़ेद रंग के पर्स का प्रयोग करना चाहिए, इससे उनके आय में डेफिनेटली बढ़ोतरी होती है और उनको मानसिक शांति भी प्राप्त होती है।
तो दोस्तों ये थी जानकारी कि किस राशि वाले लोगों को किस रंग के पर्स का प्रयोग करना चाहिए, इससे उन्हें लाभ जरूर मिलता है। दोस्तों आशा करते हैं कि ये जानकारी आपके लिए उपयोगी साबित हुई होगी। दोस्तों अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिएगा, कमेंट बॉक्स में जय माता लक्ष्मी जरूर लिखिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नई जानकारी के साथ, तब तक अपना ख्याल रखिएगा।